जीन्स भी होते हैं, रेगुलेटरी जीन्स जो ऑपरेशन का काम करते हैं, जब लैक्टोज यस, साथ में उसमें क्या होगा, प्रमोटर प्रेजेंट होगा, नहीं होता। इंड्यूसर होगा, फिर प्रमोटर होगा, ऑपरेटर होगा। अब ये बताइए कि इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज जब नहीं है तो ईकोलाई के अंदर क्या होता है? गुड इवनिंग सबनम, बताओ क्या होता है जब लैक्टोज नहीं है तो ई कोलाई के अंदर क्या बनता है? रिप्रेसर बनता है या एंजाइम्स बनता मैम है? मैम रिप्रेसर ही बन कंटिन्यूअस रिप्रेसर बनता है, जिससे वो बाइंड होने से रोक देता है, फिर वो आगे का ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर बनता है, यस पाता यस, क्योंकि लैक्टोज रिप्रेसर नहीं है। बनता है जब लैक्टोज नहीं है। भाई जब लैक्टोज नहीं है तो हम क्यों बनाए एंजाइम्स? हाँ, लैक्टोज नहीं है तो एंजाइम्स क्यों बनाए? तो रिप्रेसर तो ऑल टाइम बनता ही रहेगा, रिप्रेसर को कोई रोकने वाला यहाँ पे है नहीं, तो वो जाके ऑपरेटर में चिपक जाता है। हाँ, और वो आगे आरएनए पॉलीमरेज को एमआरएनए नहीं बनाने देता है। ठीक है, अच्छा जेड क्या बनाता है? जेड कौन सा एंजाइम बनाता है? जेड जीन, गैलेक्टोसाइडेस, गैलेक्टोसाइडेस। ठीक है, इसका क्या काम है बच्चे? गैलेक्टोसाइडेस इसका काम है लैक्टोज को ग्लूकोज एंड तोड़ना। गैलेक्टोज में तोड़ना। ठीक है, वाई जीन परमीएज बनाता है। परमीएज का क्या काम है? इंक्रीजिंग परमीएबिलिटी। यस, और ए जीन आपका ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है। ट्रांस एसिटाइलेज का क्या काम है? इन दोनों के काम को बूस्ट करना। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सबसे पहले आप ये समझिए कि जीनोम क्या है। जीनोम क्या है? जीनोम क्या है बच्चे? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? जीनोम। टोटल हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम है उसको हम क्या बोल रहे हैं? जीनोम। आपका हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना है? 23 23। 23 23। ठीक है, तो 23 आपका क्या है? 23 क्रोमोजोम्स आर जीनोम। सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम 23 क्रोमोसोम को ही पढ़ते। क्यों पढ़ते 23 को? क्योंकि 23 आपका क्या है, उसका एक ही जैसा ही है ना, आपका जर्म सेल है, तो 23 जितने हैं उसी के सेम 23 हैं। पढ़ा है ना हमने, जो यस मैम। डिप्लॉइड होगा तो फिर हम दोबारा दोबारा मेहनत क्यों करें? तो हम सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स को ही पढ़ते हैं। सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च इन 1990। 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपका आया था। ओके, इसमें हम क्या करने वाले थे बच्चे? हम पूरा का पूरा डीएनए पढ़ने वाले थे, डीएनए के बेसिस पढ़ने वाले थे कि कौन कौन से बेसिस हैं और कौन सा बेस क्या बनाता है, किस तरह का प्रोटीन बनाता है, अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो क्या बीमारी निकलेगी। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करने के बाद हमें बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पता चला। हमको ये पता चला कि क्या न्यूक्लियोटाइड बेस होगा तो कौन सा प्रोटीन हमारा बनेगा। ठीक है, पूरे के पूरे डीएनए सीक्वेंस को इसमें पढ़ा गया। कितने साल लग गए थे इसमें? कितने साल लग गए थे बच्चे? 13 साल। कितने लग गए थे? 13 ईयर्स लग गए थे। 2003 में ये कंप्लीट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 1985 में स्टार्ट मैम हुआ था। ठीक है, और 2003 में, 1990 में बच्चे, 1990 1990 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ओके, मैम, सॉरी मतलब ये सॉरी 85 सॉरी, में स्टार्ट हो वेट गया वेट था। वेट 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 वेट। मैं भी क्या बोल रही हूँ, दिमाग खराब हो रखा है मेरा। ठीक है, इसमें कितने साल लगे थे? 13 साल इसमें लग गए थे। ठीक है, और ये स्टार्ट कब हो गया था आपका? 1990 में स्टार्ट हो गया था। लेकिन एक आपका जो 2001 आपका क्रोमोसोम स्टडी करना रह गया था। एक्चुअली इनको लगा था कि 13 ईयर्स में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसमें लिखा भी हुआ है कि 13 ईयर में कंप्लीट हो गया था, लेकिन लेकिन एक्चुअल में कितने ईयर लगे थे? 16 ईयर, क्योंकि एक क्रोमोसोम बच गया था। एक क्रोमोसोम बच गया था, क्रोमोसोम नंबर 1, दैट इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम। उसकी एक एक सीक्वेंस को कंप्लीट करने में 3 साल और ज्यादा लग गए। ठीक है, 3 मोर ईयर टू कंप्लीट, 3
3 मोर इयर्स टू कंप्लीट क्रोमोसोम नंबर 1 स्टडी, ठीक है, उसको पूरा कंप्लीट करने में, उसको एक एक जीन को पढ़ने में 3 साल लग गए थे बच्चे. ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक वर यूज्ड टू आइसोलेट द एंड क्लोन द डीएन सेगमेंट फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस. जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया जाता है. फिर आप एक पढ़ेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग इसी में, बायोलॉजी में एक आपका क्या है, एक इसका ब्रांच है. फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स है. बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या किया जाता है, आपका कंप्यूटर वगैरह का यूज करके पूरे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को की डाटाबेस को रखा जाता है, उनको स्टडी की जाती है. ठीक है, तो आगे चल के आप ये दोनों भी पढ़ सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी कर सकते हैं. ओके, तो अब समझते हैं कि इसको, इसकी जरूरत क्या थी और मतलब इससे क्या क्या फायदा हुआ हमको. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2006 में बोला जाता है कि खत्म हो गया, लेकिन वो उसका एक तरह से सिर्फ क्या मतलब कच्चा, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक कच्चा रफ वर्क तैयार करना, इसका फाइनल फाइनल जो तैयार हुआ है पूरा वर्क एकदम अच्छे फॉर्म में, वो 2022 में जाके कंप्लीट हुआ है. इतने साल लग गए, 2022 में पिछले साल ये पूरा कंप्लीट हुआ है अच्छे से. ठीक है, सम ऑफ द की फाइंडिंग ऑफ HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के की फाइंडिंग क्या है, देखो इसमें टोटल कितने बेस पेयर हैं, 3164.7 मिलियन बेस पेयर. आपने पढ़ा है ना 3.1, मैंने पढ़ाया था 3.1 × 10⁻¹⁹, पढ़ाया वही है, उसी को ऐसे लिखा हुआ है. ठीक है, वही है. और एक 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 बेस पेयर को कंप्लीट करने में बच्चे, एक एक बेस पेयर को पढ़ने में कितने डॉलर लगे थे, $3. ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, इतने डॉलर लगे थे. किसने फंडिंग की भाई, किसने फंडिंग की, एक ट्रस्ट ने फंडिंग की थी. ओके, एक ट्रस्ट थी, उन्होंने पहले स्टार्ट किया, उन्होंने फंडिंग की, एंड देन उसके बाद और कंट्रीज आए, जर्मनी आए, ठीक है, फिर आपका चाइना आया और भी दूसरे कंपनी आई, सॉरी और भी दूसरे कंट्रीज आई, उन लोगों ने फिर फंडिंग की, तब जाकर के ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा हुआ, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फंडिंग लग रही थी. टोटल 30,000 जीन्स आर प्रेजेंट विद एन एवरेज ऑफ 3,000 बेसिस जीन. पहले इनको क्या लगा था कि टोटल जीन्स कितने होंगे, 1 से 1.5 लाख जीन्स होंगे, इनको ऐसा लग रहा था. लेकिन जब इन्होंने देखा तो कितने जीन्स थे, टोटल 30,000, कहीं पे 25 लिखा है, कहीं 30 लिखा है, तो हम अप्रोक्स लेकर के चल रहे हैं कि 30,000 जीन्स होते हैं आपके पूरे के पूरे क्रोमोसोम में. कितने होते हैं, 30,000 जीन्स होते हैं. 25 to 30 अगर लिखा हुआ आया तो यही सही ऑप्शन होगा, 25 to 30,000 जीन्स होते हैं पूरे क्रोमोसोम में. डिस्ट्रोफिन जीन, द लार्जेस्ट ह्यूमन जीन, हैव 2.4 मिलियन बेसिस. ये जो जीन है डिस्ट्रोफिन जीन, ठीक है, ये ह्यूमन का लार्जेस्ट जीन है जिसमें 2.4 मिलियन बेसिस. कितना लंबा जीन होगा, है ना, जीन का सेगमेंट कितना बड़ा होगा, 2.4 मिलियन बेस पेयर है यहाँ पे. ओके, 99.9% ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स आर सेम इन ऑल पीपल. ये क्या बता रहा है कि हम और आप 99.9% एक जैसे होते हैं, सिर्फ 0.01% क्या होते हैं, अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं. ठीक है, बाकी हम पूरे के पूरे क्या होते हैं, 99.9% हम क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल सेम है. जैसे बच्चे देखो, मेरा जहां पे आंख है वहीं पे आपका भी आंख है ना, हम सबका आंख एक ही जगह पे है ना, पैर में तो नहीं है आंख किसी का, ऐसा तो नहीं है किसी का होंठ यहाँ सिर पे है ना, या कान यहाँ पे है, नाक इधर पे है, या हाथ सिर के ऊपर है, ऐसा किसी का नहीं है. हम बिल्कुल जो हमारा स्ट्रक्चर है वो वैसा ही है, सबका एक जैसा है. अब हार्ट की जगह पे किसी का स्टमक है क्या, हार्ट की जगह पे किसी का स्टमक नहीं है, या फिर आपका स्टमक के जगह पे आपका मतलब किडनी नहीं है,
तो जिसका जो चीज जहां प्रेजेंट होना चाहिए, दांत यहाँ है तो दांत यही होंगे, यहाँ आंख के अंदर दांत नहीं होगा, आंख में तो दांत प्रेजेंट नहीं होंगे तो है ना। तो हम सभी क्या है बच्चे, एक जैसे हैं बिल्कुल, 99.9% हम लोग एक जैसे हैं सभी के सभी, ठीक है। सिर्फ हम थोड़े से ही अलग हैं, 0.1% बस हम अलग हैं, 0.1% बस हम क्या हैं, अलग हैं एक दूसरे से। ठीक है, 0.1% बस हम एक दूसरे से अलग हैं, एंड जिसकी वजह से इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, ओनली 2% जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, और इन सब में सिर्फ 2% जीनोम से प्रोटीन बनता है, बाकी सबसे क्या होता है, कोई प्रोटीन नहीं बनता है, बाकी सब एक दूसरे को डिफरेंट करने में काम आते हैं। कैसे होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। लीस्ट जीन्स आर फाउंड इन वाई क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम में सबसे कम जीन पाया जाता है, ओनली 231। ठीक है, सबसे कम जीन किस में पाया जाता है, वाई क्रोमोजोम में। आज पता नहीं मुझे क्या हो गया, क्यों मैं उटपटांग बातें बोल रही हूँ, है ना, दिमाग खराब हो रखा है। मैम, ई वाले में 2% ही बस प्रोटीन मिलेगा। हाँ, हमारे पूरे जो है ना, जो क्रोमोजोम है, यहाँ देखो जीनोम बोल रहा है, ओनली 2% जीनोम, मतलब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ये कोड्स फॉर प्रोटीन, बाकी जितने हैं ना वो उसमें वेरिएबल नंबर, टेंडम रिपीट्स वगैरह पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम अलग होते हैं, हमारी वॉइस अलग होती है, हम बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, सो देयर आर 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर देयर इज सिंगल बेस डिफरेंस इन डीएनए, इतने ज्यादा लोकेशन है जहां पे थोड़ा थोड़ा क्या है, डिफरेंस है, और इसकी वजह से हम अलग हो जा रहे हैं। डीएनए में लिटिल लिटिल डिफरेंस है, जिसको हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। सिंगल न्यूक्लियोटाइड मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड अलग है, मान लो कि मेरा न्यूक्लियोटाइड ऐसे है, सी टी जी ए सी सी टी जी ए ऐसे करके है, ठीक है, और वहीं पे मान लो साक्षी का क्या है, सी ए जी ए सी टी जी ए, देखो ये न्यूक्लियोटाइड अलग हो गया ना हम दोनों का, yes, मेरा यहाँ टी है, इसका ए है, तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड अलग है तो भी डिफरेंसेस आ जाते हैं हमें, जैसे आपने सिकल सेल एनेमिया में देखा था ना, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड अलग हो गया तो वहां पे क्या बन गया बच्चे, वेलिन बन गया, और वो डिजीज आ गया, वो आरबीसी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया उसने, सिकल से स्ट्रक्चर बना दिया। यस मैम। सो गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, गोल्स क्या हैं इसके, आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000, देखो यहाँ 20,000 to 25,000 लिखा है, ठीक है, ये 30,000 तक हो सकता है जीन इन ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए में 30,000 जीन जितने हैं उन सब को पढ़ना, सोचो कितना टाइम लगा होगा, एक एक जीन को इन्होंने पढ़ा, एक एक जीन के सीक्वेंस को पढ़ा, फिर समझा कि किससे क्या प्रोटीन बन रहा है, किसमें क्या चेंज होने से क्या डिजीज हो रहा है, सब कुछ पढ़ा। ठीक है, जो लार्जेस्ट आपका क्रोमोजोम होता है वो क्या होता है बच्चे, क्रोमोजोम 1। ठीक है, क्रोमोजोम 1, फिर क्रोमोजोम 2 क्या होगा, उससे थोड़ा छोटा, क्रोमोजोम 3 उससे छोटा, ऐसे ऐसे करके जो क्रोमोजोम Y होगा, क्रोमोजोम Y जो होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा, और इसमें जीन भी सबसे कम पाए जाते हैं, स्मॉलेस्ट। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, टोटल कितने बिलियन बेस पेयर है, 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर है दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए, इन सब को पढ़ना समझना, स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डेटाबेसेस। अब देखो क्या है कि अगर आप इसको बुक में लिखना चाहते, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली सारे बेस पेयर्स की, अगर आप इसको बुक में लिखना चाहते हैं तो कितने कितने बुक्स लगेंगे, कितने बुक्स लगेंगे बताओ, किसी ने पढ़ा है एनसीईआरटी, 30 कितने बुक्स लगेंगे, 3300 बुक्स ना, यही लिखा है ना,
कितने बुक्स लगेंगे, 3300 बुक्स लगेंगे। और ये हर बुक्स में कितने पेजेस होंगे, 1000। 1000 पेज की 3300 बुक्स में ये डाटा स्टोर होगा। सोचो कितना मुश्किल है। उससे बेटर नहीं है कि हम इस इंफॉर्मेशन को किस में स्टोर करें, सॉफ्टवेयर में, ठीक है, सॉफ्टवेयर में स्टोर करें, हम इनको इसमें कंप्यूटराइज कर दें, जो कि हम इसको जल्दी जो भी चीज ढूंढना है हम उसको फिल्टर करके ढूंढ सके। अदरवाइज क्या होगा, पन्ने पलटते रह जाएंगे ना। अगर कोई एक चीज ढूंढनी है तो हम पन्ने पलटते रह जाएंगे। यस मैम, ठीक है। और मान लो कभी कुछ हुआ और बुक्स को आग लग गई, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में कितने, सबसे बड़ा लाइब्रेरी था ना दुनिया का। यस मैम, उसमें आग लग गई। अब बताओ वो अगर कंप्यूटराइज होता तो आज हमारे पास कितने ही नॉलेज होते, कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी होंगी उसमें। हाँ, वो सारे बुक्स जल गए। तो अगर ये मान लो गलती से जल गए या दीमक लग गए किसी भी रीजन से, चाहे कितना भी प्रोटेक्ट करके रखा है, किसी ने जला दिया, किसी ने मान लो चुरा लिया, ठीक है, लेकिन जब हम इसको कंप्यूटराइज कर देते हैं तो ये बिल्कुल लॉक्ड होता है, कोई इसका मिसयूज नहीं कर सकता, कोई किसी के जीनोम में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मान लो कोई साइंटिस्ट है, अब उसने पूरा स्टडी कर लिया, अब वो क्या कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, समझ गए। सो इसको हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करेंगे अच्छे से। और इसी के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज करते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, एक ब्रांच है साइंस की, बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जिसमें ये कंप्यूटराइज्ड इसको किया गया है जीन को, और इसकी स्टडी की जाती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज करके पूरी जीन्स की स्टडी की जाती है, उनको कैसे स्टोर करके रखना है सब कुछ पढ़ा जाता है। इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, ये था उसका गोल कि भाई ये डाटा एनालिसिस करने के लिए कुछ टूल्स वगैरह खोजे जाएं। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज, और जो भी हमको कुछ बातें पता चली, मान लो बीमारी से रिलेटेड कुछ पता चला है कि इस जीन में थोड़ा सा चेंज करने पे बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो उसको इंडस्ट्रीज को बताना, मेडिकल इंडस्ट्रीज को बताना, या फिर ये पता करना कि इस जीन में यहाँ पे गड़बड़ी होने से ये बीमारी होती है, दिस प्रॉपर डिसऑर्डर इज जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सारी चीजें बताना, ठीक है। तो इन सब चीजों से अवेयर करना ताकि जो डायग्नोसिस अच्छे से हो सके, उसका प्रॉपर मेडिकेशन हो सके, ठीक है। एड्रेस द एथिकल लीगल सोशल इशू। अब क्या है कि देखो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा है, तो जो लोग इन सब चीजों में नहीं मानते, साइंस में नहीं मानते हैं, या फिर जो साइंस में मानते वो भी, अब लोगों को लगेगा ना कि भाई आप हमारे जीन से क्यों खिलवाड़ कर रहे हो, जीन की स्टडी क्यों कर रहे हो, क्यों जीन्स में चेंजेस करना है आपको। मान लो अगर ये सारी इश्यूज नहीं होंगे, अगर इस तरह के लोग नहीं होंगे ना, हाँ, तो क्या करेंगे कुछ साइंटिस्ट, क्या कर सकते हैं कि ह्यूमन को क्या बना दिए, क्रोमोसोम में जीन्स में चेंज करके क्या बना दे रहे हैं, सुपर ह्यूमन बना दे रहे हैं। फिर मान लो हल्क पैदा हो गया, हाँ, देखते हो ना हॉलीवुड मूवी में, थोड़ा सा जीन में चेंज कर दिया, उसके अंदर कुछ अलग किसी एनिमल का जीन डाल दिया, ऐसा कुछ चेंज कर दिया, तो फिर वो सुपर ह्यूमन पैदा हो गया। तो मान लो इस तरह का कुछ, मान लो हल्क पैदा हो गया या कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर पैदा हो गया, तो क्या होगा, दुनिया में मतलब तबाही मचाएगा, है ना। yes, तो yes, ma'am. हाँ, ठीक है, तो इन चीजों को भी लेकर चलना कि भाई एथिकल चीजें जो लीगलाइज्ड हैं, उसी जो नियम है, जो लॉ है, उसी के अंडर हमको काम करना है। ऐसा नहीं कि हम मतलब इंसान का जीन जो है बिगाड़ रहे हैं और इंसान और कुत्ते का जीन मिला के एक नया क्रिएचर बना रहे हैं, इंसान और फिर बंदर को मिलाकर एक नया क्रिएचर बना रहे हैं। आपने देखा होगा भाई हॉलीवुड मूवी में कि इंसान और जानवर को मिला करके एक नया, है ना, एक नया क्रिएचर बना दिया, अब वो तबाहियां मचा रहा है सब जगह। ठीक है, तो ये सारी चीजों को भी देखना, इसका भी ध्यान रखना। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज अ 13-year प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड बाई US डिपार्टमेंट। सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था भाई, किसने सोचा, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने सोचा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन दोनों ने मिलकर के बोला कि चलो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाए।
ठीक है, किसने दिया था? ट्रस्ट ने, मैंने आपको बताया था कि एक ट्रस्ट ने दिया था, उस ट्रस्ट का क्या नाम है? वेलकम। ठीक है, उस ट्रस्ट का क्या नाम है? वेलकम। और ये ट्रस्ट कहाँ की है? यूके की। और इसके बाद कुछ जो कंट्रीज हैं उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, कौन कौन? जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, ठीक है, इन सबके नाम है मेजरली। कंप्लीट हो गया था 2003 में? क्या कंप्लीट हो गया था 2003 में? नहीं, एक क्रोमोजोम बचा था ना। देखो आपकी एनसीईआरटी बोलती है 2003 में कंप्लीट हो गया था, लेकिन सच्ची बात क्या है, 2006 लग गए थे बच्चे, क्योंकि एक क्रोमोजोम बच गया था ना, मतलब कच्चा, मतलब आधा अधूरा काम हुआ था, कच्चा काम हुआ था, है ना, आधा अधूरा काम हुआ था, तो 2006 लगे थे एक्चुअली। एंड फुल्ली फाइनली बहुत अच्छे से उसको सब कुछ होने में 2022 लग गए। ओके, नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशन अमॉन्ग इंडिविजुअल, इसमें हमको पता चलता है कि भाई डीएनए कैसे एक दूसरे में अलग है, मुझ में आप में कैसे डीएनए बिल्कुल अलग है, और इससे क्या क्या चेंजेस हैं, फिर डिजीज का डायग्नोस करना, ट्रीट करना, ये सारी चीजें पता लगती है। ओके, ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या याद रखना है, कितना फंडिंग लगा, किसने फंडिंग की, कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, कितने साल लगे, फिर आपको क्या याद रखना है कि सबसे जो बड़ा जीन है डिस्ट्रोफिन है, 2.4 मिलियन बेसेस है, उसके बाद क्या याद रखना है कि इनके गोल्स क्या क्या थे, ये सब कुछ याद रखना है, कितने, अगर हम इसको बुक में लिखें तो कितना बड़ा डाटा है इसका, 3300 बुक लगेंगे 1000 पेजेस के, ठीक है, तो ये सारी बात आपको याद रखनी है। ओके, अब हम आ जाते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को बच्चे डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग, ठीक है, या फिर डीएनए बार कोडिंग भी बोलते हैं। देखो बार कोड जैसा लगता है ना ये देखने में, यूं बार कोड की तरह ही लगता है, सो डीएनए प्रोफाइलिंग इसको हम बोलते हैं। ये बिल्कुल भी अलग है आपका नॉर्मल फिंगर प्रिंटिंग से, ठीक है, बच्चे सोचते हैं वो जो फिंगर प्रिंट मिल जाते हैं जहां पे भी क्राइम सीन होता है वहां पे फिंगर प्रिंट मिल जाते हैं, उसको जो निकाला जाता है और मैच किया जाता है वो फिंगरप्रिंट, नहीं बच्चे ये डीएनए का फिंगरप्रिंट है, ये आपका फिंगरप्रिंट नहीं है, जब आपके फिंगरप्रिंट जो मैच किए जाते हैं, ठीक है, जैसे जो क्राइम सीन होता है, मान लो ग्लास में जो क्रिमिनल है उसके फिंगर्स के फिंगरप्रिंट आ जाते हैं, है ना, तो उसको जो ट्रेस किया जाता है, उसको स्प्रे की मदद से फिर लिया जाता है ना एक पेपर पे, तो वो फिंगर प्रिंटिंग अलग है। आप अगर अपने फिंगर को ध्यान से देखो तो अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेगा, कहीं पे शंख जैसा पैटर्न होगा, कहीं पे बिल्कुल चक्र की तरह पैटर्न होगा, कहीं पे बिल्कुल यूं नदी जैसा पैटर्न होगा, है ना, तो अलग अलग पैटर्न होता, अलग अलग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, तो वो फिंगर प्रिंटिंग अलग है बच्चे। एंड डीएनए फिंगर प्रिंटिंग अलग है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आपको आपके फिंगर प्रिंट से नहीं मिलेगा, आपको कहाँ से मिलेगा, सलाइवा से मिल सकता है, सीमेन से मिल सकता है, टिश्यूज से मिल सकता है, हेयर से मिल सकता है, है ना, स्किन वगैरह इन सब से मिल सकता है, ब्लड से मिल सकता है। मैम नेल आएगा इसमें क्या? मैम नेल, नेल, हाँ हाँ नेल, अगर बेड के साथ हो, नेल बेड बेड के साथ हो तब तो और अच्छी बात है, ठीक है, तो इन सारी चीजों से आपको क्या मिल सकता है बच्चे, आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग मिल सकता है, ठीक है। नाउ सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? एलेक्स जेफरे ने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज की थी। एंड इसका मतलब यूज क्या है? एक तो पैटर्निटी का पता करना, ठीक है, पैटर्निटी का पता करना कि कौन असली पिता है, कौन असली माँ है। देखो पहले के जमाने में जब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग नहीं होती थी तो आपने कहानी सुना होगा कि एक औरत आती है, वो बोलती है कि ये मेरा बच्चा है, दूसरी औरत बोलती है राजा को ये मेरा बच्चा है, है ना, तो राजा क्या बोलता है कि अच्छा मैं इसके दो टुकड़े कर देता हूँ, दोनों बांट लो, तो जो असली माँ होती है वो बोलती है नहीं नहीं, है ना, ये मेरा बच्चा है और इसको छोड़ दो, रहने दो, उसी के पास जाने दो,
इसके दो टुकड़े मत करो। लेकिन अगर उस समय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती, अब आपके जमाने में अगर ये स्टोरी बनेगी तो क्या बनेगी, वैसा होगा? नहीं, आपके जमाने की स्टोरी क्या सुनाओगे बच्चे को कि भाई राजा के पास गए, फिर उन्होंने बोला डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाओ, फिर एलेक जेफरे द्वारा प्रपोज किया हुआ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बन उसका किया गया, ठीक है? यस मैम। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता चला कि कौन असली माँ है, यही होगा। ओके, कहानी में ट्विस्ट चेंज आ गया, कहानी में जनरेशन चेंज हो गया। अब देखो इसके अलावा क्या पता करते हैं, सबसे ज्यादा फॉरेंसिक में इसका यूज होता है कि कौन क्रिमिनल है, पप्पू क्रिमिनल है कि नहीं पता करना है, कौन क्रिमिनल है। सो एलेक जेफरे इनिशिएटेड डेवलप द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, नेम इट एज VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। देखो बच्चे इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले किस प्रिंसिपल पे हम इसको यूज करते हैं, किस प्रिंसिपल पे हमारा इसका प्रिंसिपल ये है कि 99.9% हम क्या हैं बच्चे, क्या सेम है, ठीक है, सिर्फ हम क्या है 0.1% क्या है बच्चे, डिफरेंट है, डिफरेंट, ठीक है, हम 0.1% डिफरेंट है। और यही यही जो डिफरेंस है इसी को चेक किया जाता है इसमें, क्योंकि 99.9% अगर हम सेम है तो सबका सेम ही आएगा। अगर हम उस डीएनए को लें, पूरा का पूरा डीएनए लेंगे तो सब में जो प्रोटीन, अब आपके डीएनए में मान लो जो जिस जीन से प्रोटीन बन रहा है आई का, मेरे में भी उसी जीन से आई का प्रोटीन बनेगा ना। यस मैम। ठीक है, जिस जीन से आपका हेयर बन रहा है उसी जीन से मेरे में भी हेयर बनेगा, तो फिर सब कुछ मैच कर जाएगा। लेकिन हम किस पे वर्क करते हैं, 0.1% जो डिफरेंट है सब में उस पे वर्क करते हैं हम, सब में ये चीज डिफरेंट है। लेकिन ये जो डिफरेंस है ये पेरेंट्स से लेकर के बच्चे में क्या होता है, जाता है, ये जो पेरेंट्स से लेकर के बच्चे में जाता है। तो अब आप बोलोगे कि जब पेरेंट और बच्चे में सेम है तो पेरेंट खून कर देगा, फंस जाएगा बच्चा, हाँ ऐसा हो सकता है ना? जब ये हमारा सेम है ये वाला पॉइंट, तो क्या ये बिल्कुल सेम होता, नहीं, ठीक है, पेरेंट में कुछ सीक्वेंस में सेम होगा, कहीं पे क्या होगा थोड़ा अलग होगा, तो वो भी पता चल जाता है, वो भी पता चल जाता है कि नहीं पिता ने खून नहीं किया है, किसने खून किया है, बच्चे ने खून किया है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। द डिफरेंस इन डीएनए मेकअप अकाउंट्स फॉर द यूनिक फीनोटाइप ऑफ ईच इंडिविजुअल। ये जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसी की वजह से हम क्या हैं, थोड़े थोड़े सब अलग अलग हैं। दैट इज बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस, कि हम क्या है, हमारा फिनोटाइप सबसे अलग है और हमारा थोड़ा जीनोटाइप भी सबसे अलग है। द डीएनए सीक्वेंस ऑफ टू इंडिविजुअल कैन कंपेयर्ड वेरी क्विकली बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। ओके, अब देखो क्या है, इतना इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, इतना बड़ा वर्ल्ड है, हाँ, तो थ्री क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि 2 पर्सन का डीएनए प्रोफाइलिंग सेम हो जाए, ऐसा हो सकता है ना? yes, कि हमारा जो जो पूरा जीन है, जो पूरा मान लो ये डीएनए का सेगमेंट है, ये जीन है, ये कोड कर रहा प्रोटीन के लिए, ये बीच वाला पार्ट है जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, VNTR बोल रहे हैं, ठीक है, ये प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहा है। और इसमें एक जैसे ना रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं, एक जैसे रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं। ओके, जैसे मान लो ये है साक्षी का जीन, सॉरी ये है साक्षी का डीएनए और ये है मेरा डीएनए, इसके यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, GTCA, GTCA, GT ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, ये इसके में ये वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट प्रेजेंट है। मतलब क्या कि एक ही सीक्वेंस बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, एक ही सीक्वेंस बार बार रिपीट होता चला जा रहा है। और मेरे में यही चीज, यहाँ पे मेरे में यही चीज क्या कितनी बार प्रेजेंट है बच्चे, GTCA, GTCA, GT मेरे में ज्यादा बार प्रेजेंट है। yes, ये नंबर,
नंबर चेंज हो गया, ठीक है। ये मेरे में टोटल तीन, थ्री एंड हाफ प्रेजेंट है और इसमें कितना है, टू एंड हाफ बार प्रेजेंट है। तो ये नंबर वेरी कर गया, यही थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस होता है बच्चे, यही क्रिएट करता है हमें क्या, चेंजेस, ठीक है। तो नंबर अलग हो सकता है, सीक्वेंस अलग हो सकता है। मान लो तीसरा नंबर हमने किसका ले लिया, हमने किसका ले लिया, कोमल का, कोमल का ले लिया। तो कोमल में ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 80 80 80 80 80 80, ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका पूरा का पूरा क्या प्रेजेंट है, सीक्वेंस भी अलग है, सीक्वेंस भी अलग है। तो या तो पूरा सीक्वेंस अलग हो सकता है, या तो सीक्वेंस अगर सेम है तो क्या हो सकता है, नंबर अलग हो सकता है, नंबर अलग हो सकता है, समझ गए, ओके। नंबर अलग अलग हो सकता है, हाँ भाई लेंगे, नाम लेंगे। अब देखो इतना बड़ा वर्ल्ड है, इसमें 300 मिलियंस पीपल को अगर हम लें तो उनमें चांसेस बनते हैं कि 2% का क्या हो सकता है, 2% का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेम हो सकता है, ठीक है। 300 मिलियंस पीपल को अगर लें तो ऐसे नहीं है, कोई चांस नहीं, ओके। किस्मत खराब होगी तभी क्या होगा कि पता चला खून किसी और ने किया है और उसका मिल रहा है आपके साथ, और वो 300 मिलियंस में था, है ना। यस मैम, ओके। चलो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस बिटवीन टू डीएनए मॉलिक्यूल एट द स्पेसिफिक रीजन वेयर द सीक्वेंस इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, जिसको रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं डीएनए को, थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई। हमने पढ़ रखा है कि जो हमारा डीएनए है, ये डीएनए है हमारा, ठीक है, ये डीएनए है। डीएनए में बच्चे कुछ सेगमेंट होता है जो प्रोटीन के लिए कोड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। हम जीन, उसको हम जीन बोलते हैं जो प्रोटीन के लिए कोड करता है। मान लो ये जीन है, ये जीन है, और फिर यहाँ पे जीन है, ये जीन है बच्चे, ठीक है, ये जीन है। अब यहाँ बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, रेपिटेटिव डीएनए प्रेजेंट है, रेपिटेटिव डीएनए प्रेजेंट है। मान लो क्या है, 80 80 80 80, इस तरह से प्रेजेंट है, ओके। और फिर इधर पे क्या प्रेजेंट है, GTA GTA, इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, आपका सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव डीएनए, या फिर हम क्या बोल रहे हैं, सैटेलाइट डीएनए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सैटेलाइट डीएनए। अब ये जो सैटेलाइट डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए है बच्चे, ये अगेन दो तरह का होता है, माइक्रो एंड मिनी, माइक्रो एंड मिनी। मिनी में 10 से 100 बेस पेयर होते हैं, 10 से 100 बेस पेयर, मतलब कि यहाँ पे कितना हो सकता, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिया ना मैंने, दो और ले लेते हैं, ठीक है, दो और ले लेते हैं, चलो दो और ले लेते हैं, 80, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिनी वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, मिनी, ठीक है, ये छोटा सा हमारा आ गया जीन। और इधर इधर आप देखो GTA GTA, ये बिल्कुल छोटा है, इसमें कितने बेस पेयर हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, तो 2 से 6 बेस पेयर जिसमें होंगे वो क्या हो जाएगा आपका, माइक्रो, ठीक है, वो वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, माइक्रो। जिसमें कम बेस पेयर होंगे, 2 से 6 हैं, तो वो माइक्रो हो जाता है, और जिसमें 10 से 100 बेस पेयर हो गए, मान लो 80 80 80 80 80 80 लिखते लिखते 99 बेस पेयर हो गए, तो वो क्या कहलाएगा, कौन सा, मिनी, मिनी, मिनी डीएनए। अब देखो मिनी वाले को ही हम यूज करते हैं, किसमें, मिनी वाले को ही यूज करते हैं
यूज इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मिनी वाले को ही हम यूज करते हैं, और इसी मिनी वाले को हम क्या बोलते हैं, वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, मतलब एक ही जैसा सीक्वेंस क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही जैसा सीक्वेंस बार 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 रिपीट हो रहा है, ठीक है, बहुत बार रिपीट हो रहा है, ठीक है. These repetitive DNA makes a small peak during density gradient centrifugation and known as satellite DNA. इसी को हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, satellite DNA भी बोल रहे हैं. VNTR को हम क्या बोल रहे हैं, satellite DNA बोल रहे हैं. ओके, मतलब ये क्या बोल रहा है बच्चे, माइक्रो का इसमें यूज नहीं होता है, माइक्रो का किसी और चीज में यूज होता होगा, इसका किसमें यूज होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, मिनी सैटेलाइट का यूज करते हैं, मिनी सैटेलाइट डीएनए का यूज करते हैं, जिसको हम वीएनटीआर भी बोलते हैं. इसमें 10 से लेके 100 बेस पेयर होते हैं. जब हम पूरा डीएनए लिए, डीएनए लेकर के जब हम सेंट्रीफ्यूग करते हैं, तो मिनी वाले क्या होते हैं, थोड़े से जो आपके वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स होते हैं, ये सब थोड़े से क्या होते हैं, ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है, ये वाले थोड़े से ऊपर पाए जाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम पे. चलो मैम, रिपीटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए और वीएनटीआर सब सेम ही है, सब सेम है. देखो क्या है, सिंपल सी बात है कि पूरा डीएनए सैंपल है, डीएनए सैंपल में जो जीन आपका प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, सॉरी, जो सेगमेंट आपका प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है उसको हम जीन बोल रहे हैं. उसके अलावा जितना पार्ट बच गया वो सब क्या है, आपका सैटेलाइट डीएनए है, ठीक है. और सैटेलाइट डीएनए में भी दो तरह के डीएनए हैं, उसमें हम देख रहे हैं दो तरह का रिपीटेशन है, एक बहुत छोटे छोटे हैं और एक बहुत बड़े बड़े हैं. एक में 2 से 6 बेस पेयर है और एक में 10 से 100 बेस पेयर. तो हमको इसमें किसका यूज करना है, 10 से 100 बेस पेयर वाले का ही यूज करना है, बाकी हमको किसी का यूज नहीं करना है. कोई 10 बेस पेयर का हो सकता है, कोई 12 का हो सकता है, कोई 99 बेस पेयर का हो सकता है, ऐसे करके अलग अलग साइज के हो सकते हैं ना. आपका 2 मीटर का डीएनए है, उसमें yes, बहुत सारे मिनी सैटेलाइट हो सकते हैं, कहीं पे 10 बेस पेयर का होगा, कहीं पे मान लो वो 12 का होगा, कहीं 15 का होगा. आपके मिनी सैटेलाइट अलग अलग साइज के, मेरे मिनी सैटेलाइट अलग अलग साइज के हो सकते हैं, आपके सबके, साक्षी के अलग हो सकते हैं, ठीक है, शिवा के अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है. Yes, ma'am. और ये मेरे भी जो मिनी वाले हैं वो कितने हो सकते हैं, मान लो कहीं पे 12 बेस पेयर के हैं, कहीं पे 22 बेस पेयर के हैं, कहीं 99 बेस पेयर, तो अलग अलग सबका साइज हो गया, अलग अलग सबका साइज हो गया. तो अब देखो हम करने क्या वाले हैं, अब हम करने क्या वाले हैं. हाँ, इससे पहले मैं आपको एक टर्म बताती हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि बच्चे चेंजेस आना, ठीक है. इसमें जो आपका सीक्वेंस दिया हुआ है ना, जो सीक्वेंस दिया हुआ है, पॉली मतलब बहुत सारे सीक्वेंस में चेंज आना, और इसकी वजह से क्या होता है, हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, हम पूरे भीड़ से अलग होते हैं, ठीक है. नाउ हम सबसे पहले क्या करेंगे, सैंपल लेंगे. कहाँ से? क्राइम सीन से. मान लो कहीं पे क्राइम हुआ है, कहीं मर्डर हुआ है, ठीक है, क्राइम हुआ है, तो हमने सैंपल लिया, हमको सैंपल में क्या मिला है, मान लो ब्लड मिला है. क्या मिला है हमको? ब्लड मिला है, ठीक है. तो ब्लड में आप आरबीसी देखोगे कि डब्ल्यूबीसी, मुझे जल्दी बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या देखोगे? डब्ल्यूबीसी देखनी चाहिए ना, डब्ल्यूबीसी, क्योंकि आरबीसी इज न्यूक्लिएटेड, है ना. हम क्या देखेंगे उसमें? डब्ल्यूबीसी. तो हमने ब्लड सैंपल लिया. अब वो ब्लड सैंपल तो बहुत थोड़ा सा होगा ना. Yes, ma'am. बहुत थोड़ा सा होगा, तो और उससे जो हमारा डीएनए निकला वो भी बहुत थोड़ा सा निकला, हमको उसके उससे कुछ पता ही नहीं चल रहा है. तो हम क्या कर रहे हैं, उसका एम्पलीफिकेशन करेंगे, हम पीसीआर टेक्निक यूज करेंगे और हम उसको बढ़ाएंगे. तो बहुत सारा डीएनए मेरे पास आ गया, अब जब बहुत सारा डीएनए आ गया मेरे पास, तो क्या मैं पूरे डीएनए को पढ़ूंगी? पागल हूं मैं? 99% तो हम लोग सेम है ना, 0.1 वाले को पढ़ेंगे. हाँ, हमको वो पढ़ना है जो कि वीएनटीआर है, ठीक है, वीएनटीआर वाले को पढ़ना है. तो भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डाला जाता है, वो उसको पता होता है कि
हमको क्या चाहिए, हमको कहाँ पे कट करना है, ठीक है, ये कैसे पता होता है, क्यों पता होता है, ये कैसे करता है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, स्पेशली कौन सा एंजाइम यहाँ पे, एंडो न्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये क्या करते हैं, दे कट द डीएनए ऑन स्पेसिफिक लोकेशन, ये स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करेंगे। इनको पता है कि हमको क्या करना है बच्चे, मिनी सैटेलाइट को क्या करना है, कट करना है, ठीक है, ये कट कर दिया। अब आपको अलग अलग साइज के क्या मिल गए, VNTR मिल गए, अलग अलग साइज के, इसने क्या किया, कट कर दिया। कोई कोई आपका 22 बेस पेयर का है, कोई 10 बेस पेयर का है, कोई 12 का है, ऐसे ऐसे करके अलग अलग फ्रेगमेंट्स मिल गए डीएनए के। ये हमने अभी किसका किया है बच्चे, किसका लिया है डीएनए, मान लो जो जो ब्लड सैंपल हमको मिला है क्राइम सीन पे उसका लिया है। ऐसे ही हम किसका लेंगे, जो सस्पेक्ट है उनका लेंगे, जिन्होंने उसको धमकी दी होगी 2-4 दिन पहले, या जिससे झगड़ा हुआ होगा, हाँ ठीक है, तो उन सस्पेक्ट का भी हम लेंगे और यही सेम प्रोसेस दोहराएंगे। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी, और फोरेसिस का मतलब होता है रन कराना, इलेक्ट्रिसिटी में रन कराना, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी चीज को रन कराना। इन फ्रेगमेंट्स को हम लेंगे और हमारे पास एक इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन होता है जिसमें हम क्या डालते हैं, एग्रोस जेल डालते हैं। ये क्या है बच्चे, पूरा एग्रोस जेल है। अच्छा बताइए, एग्रोस जेल, एग्रोस किससे मिलता है हमको, किस एल्गी से एग्रोस मिलता है हमको, बताओ, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी से, ठीक है, रेड एल्गी से हमको क्या मिलता है, मैंने आपको बताया था कि जेलीज बनाने के काम आता है, आइसक्रीम बनाने के काम आता है, याद आया, गैलीडियम ग्रासिलेरिया, पढ़ा है ना, रेड रेड घास, रेड रेड ग्रास, रेड रेड, याद आया, यस मैम, मैंने ओके। सो बच्चे एग्रोस जेल वहां उसी से बनता है, ठीक है, एग्रोस जेल डाल देते हैं। और यहाँ पे ना वेल्स पाए जाते हैं, यहाँ पे वेल्स पाए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये जो छोटे छोटे हैं जिनमें हम सैंपल डालेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, वेल्स, क्या बोलते हैं हम इसको, वेल्स बोलते हैं। अब इस वेल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्राइम सीन में हमको सैंपल मिला है उसको डालेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, जो सस्पेक्ट है उसका सैंपल यहाँ पे डाल देंगे, उसके डीएनए के फ्रेगमेंट्स को यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे क्राइम सीन में जो मिला है हमको उसका सैंपल डाल देंगे। ऐसे ही बच्चे बाकी भी टेस्ट होते हैं, लेकिन ऐसा मशीन नहीं होता है कि इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जाए, इसी टाइप का दिखता है आपका, कोविड के लिए भी टेस्ट होता है, ठीक है, क्या मैम, इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो आपने मीनिंग बताया था, तोड़ इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और फोरेसिस का मतलब रन कराना, ठीक है, इलेक्ट्रिक से कोई काम करवाने, हाँ ठीक है। ऐसे ही टेस्ट इसी टाइप का दिखता है, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट होती है उसमें ऐसे ही वेल्स होते हैं, उसमें डाला जाता है तो फिर फ्रेगमेंट्स दिखाई देते हैं, ठीक है, तो ये वेल्स है, ओके। अब इसको कनेक्ट कर दिया जाता है एनोड से, इसको कनेक्ट किया जाता है एनोड से, ठीक है, और फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, एंड देन जब इसको इसमें डाला जाता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को इसमें डाला जाता है, पूरा पूरा गीला गीला एग्रोस जेल होता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को इसमें डाल दिया जाता है, तो क्या होता है कि आप देखोगे ये जो फ्रेगमेंट्स है ना, ये दौड़ने लगते हैं, किसकी तरफ दौड़ते हैं, एनोड की तरफ, क्यों दौड़ते हैं, बिकॉज डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, डीएनए क्या होता है बच्चे, नेगेटिवली चार्ज होता है, रन टुवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ ये दौड़ने लगता है, ठीक है, ओके, ज्यादा लेट हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा,
कि जो छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे वो ज्यादा दौड़ जाएंगे, ज्यादा दूर तक दौड़ जाएंगे, और जो लंबे लंबे बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे वो नीचे ही रह जाएंगे, और जो छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे वो ज्यादा दूर तक दौड़ जाएंगे। ठीक है, स्मॉल वाले ज्यादा दौड़ जाएंगे। अरे भाई सिंपल सी बात है, छोटे बच्चों को दौड़ाओ और बड़े बुजुर्ग को दौड़ाओ साथ में, कौन पहले भागेगा? छोटे वाले ना, लाइट वेट होंगे, लाइट वेट वाले ज्यादा दूर तक दौड़ेंगे। ठीक है, अब ये क्राइम सीन वाले का लिया, और हमने इधर जो सस्पेक्ट है जिससे लड़ाई हुआ था उसका ले लिया। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों का जो पैटर्न है बच्चे मैच कर रहा है, मैच, यस मैम, ठीक है, इस तरह से मैच कर रहा है। यस मैम, लेकिन ये मैं आपको अभी दिखा रही हूँ कि मैच कर रहा है, अभी आपको ना इसमें नहीं क्लियर दिखेगा कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और हम किसी एक आदमी का तो डालेंगे ना, हम तीन चार लोगों का डालेंगे, तीन चार सस्पेक्ट का डालेंगे एक साथ। ठीक है, यस मैम, बहुत सारे वेल्स होते हैं यहाँ पे, बहुत सारे वेल्स होते हैं। ओके, 1 मिनट, 1 मिनट, रुको रुको रुको, 1 मिनट। ओके मैम, ओके ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। तो ये आपको दिख रहा है कि पैटर्न दिख रहे हैं, अभी आपको दिखेगा नहीं उसमें। तो हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर एक नायलॉन की सीट रखेंगे। ठीक है, नायलॉन की सीट उसके ऊपर ऐसे रखेंगे, तो वो क्या करता है, पूरा जो वॉटरी है उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, और डीएनए को पूरा उस पे, डीएनए जो प्रिंट है ना वो उस पे आ जाते हैं, उस पे आके चिपक जाते हैं, बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नायलॉन। जो डीएनए होती है ना, डीएनए इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नायलॉन। ठीक है, वो उसमें बिल्कुल चिपक जाएगी, जो उसके प्रिंट्स बने हुए वो उसमें चिपक जाएंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें प्रोब डालेंगे। अब प्रोब क्या होता है, मेरे पास बहुत सारे सीक्वेंस पड़े हुए हैं डीएनए के, पहले से बहुत सारे प्रोब्स पड़े हुए होते हैं डीएनए के सीक्वेंस। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ATG लिखा है, यहाँ पे GCT लिखा है, इस तरह का इसमें प्रेजेंट है सस्पेक्ट में, और जो क्राइम सीन में मिला हुआ है। मैंने इसमें डीएनए प्रोब डाला, और डीएनए प्रोब आकर के यहाँ पे लग गया, जो उसके एंटी पैरेलल था। क्या है, ए का एंटी पैरेलल क्या होगा, TAC, और यहाँ क्या हो जाएगा, CGA। तो अभी जो सिंगल सिंगल स्ट्रैंड के आपके प्रेजेंट थे डीएनए, वो अब किसने हो जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड, वो प्रोब जा करके उससे बाइंड हो जाएगा, जो उसके मैम कॉम्प्लीमेंट थे। प्रोब डीएनए के सीक्वेंस को बोलेंगे क्या? हाँ, आपके पास बहुत सारे क्या हैं, डीएनए के सीक्वेंस हैं, प्रोब हैं, और वो प्रोब क्या होते हैं बच्चे, वो प्रोब क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, वो जब आप देखोगे यूवी लाइट के अंदर में, तो वो चमकते हुए दिखाई देंगे आपको, पूरा पैटर्न बहुत खूबसूरत सा दिखेगा। देखो ये ब्लैक पेपर है ना, आप क्या देख रहे हैं, यस मैम, इसमें बिल्कुल चमक रहा है, व्हाइट कलर का बिल्कुल चमक रहा है, जैसे एक्सरे एक्सरे होता है ना, तो हम इसका अब जब एक्सरे देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, फोटोग्राफी करना एक तरह से। तो डीएनए प्रोब जब डालेंगे तो जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है, जो उसके एंटी पैरेलल होगा वो चिपक जाएगा, बाकी सबको हम क्या करेंगे, धो देंगे, तो बाकी सब वॉश्ड ऑफ हो जाएगा। फिर हम जब उसको देखेंगे यूवी लाइट के अंदर में, तो हमको बहुत सारे अच्छे सीक्वेंस दिखाई देंगे, तो हमको पता चलेगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इसको फिर से, जितना अभी तक पढ़ा है फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, जितना पढ़ा है फिर से पढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट्स
सैटेलाइट डीएनए माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट में बदल जाता है। माइक्रो सैटेलाइट का बेस पेयर कितना बताया बच्चे मैंने, 2 से 6। याद रखना माइक्रो मतलब बहुत छोटा, मिनी मतलब छोटा, लेकिन माइक्रो मतलब बहुत छोटा। तो 2 से 6 बेस पेयर होते हैं इसमें, और मिनी में कितने होते हैं, 10 से 100। ठीक है, 10 to 100 बेस पेयर। हम किसका यूज करते हैं, मिनी का। मिनी सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, दी सीक्वेंस डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन बट मेक अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम का सबसे ज्यादा पोर्शन यही बनाते हैं। ठीक है, अ हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट इन दीज सीक्वेंसेस बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बहुत हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब अलग अलग वेरिएशंस, है ना। आप में अलग होगा, आप में अलग सीक्वेंस देखने को मिलेगा, मुझ में अलग सीक्वेंस होगा, सब में अलग अलग सीक्वेंस है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज फॉर पैटर्निटी टेस्ट एज दिस पॉलीमॉर्फिज्म इज इनहेरिटेड। जो आपके फादर में पॉलीमॉर्फिज्म है वो आप में भी देखने को मिलेंगे, जो आपके मदर में है वो देखने को मिलते हैं। इट हैज वाइडली यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कैन बी डिटरमाइनिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी भी हम पढ़ते कि भाई सब, ठीक है, सब कितने अलग अलग है। अगर आप पढ़ेंगे सारे वीएनटीआर को तो पता चलेगा कि कितना ज्यादा डाइवर्सिटी है देखने, ठीक है, माइनर माइनर डाइवर्सिटी से कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। सो नाउ स्टडी द स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले डीएनए का आइसोलेशन। आप क्या करेंगे बच्चे, क्राइम सीन से, क्राइम सीन में आप गए, ठीक है, और क्राइम सीन से क्या करेंगे, डीएनए को आइसोलेट करेंगे। ठीक है, डीएनए आइसोलेट किससे किससे करेंगे, क्या क्या चीज से मिल सकता है डीएनए आपको, ब्लड मिल सकता है बच्चे, ठीक है, हम सीमेन ले सकते हैं, मैम सलाइवा, ठीक है, और आपका ये सब क्या हो गया, आपका डीएनए का एक आइसोलेट कर लिया। इन सब चीजों से आप डीएनए आइसोलेट कर लेंगे। ओके, ये सब ले लिया आपने। मान लो जो सस्पेक्ट है, सॉरी, जो विक्टिम है, लड़ाई हुई होगी, मर्डर से पहले लड़ाई हुई, या फिर मर्डर करते टाइम पे मान लो चाकू मारा है किसी ने, ठीक है, तो उस समय पे उसके नेल्स में उसके कुछ टिश्यू आ गए या उसके हेयर आ गए, है ना, वो हेयर खींच सकती ना अपने पूरे हिम्मत लगा करके, तो उसके हेयर आ गए कुछ, तो उस तरह से डीएनए का आइसोलेशन हो गया। नाउ हमारे पास जो डीएनए है बहुत कम है, तो हम क्या कर रहे हैं, डीएनए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बहुत ज्यादा चाहिए हमको ना, थोड़े से काम नहीं चल रहा है, तो डीएनए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस टेक्निक से, पीसीआर टेक्निक से। पीसीआर टेक्निक बच्चे आप पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, जब डीएनए पढ़ेंगे ना आगे, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। डीएनए फ्रेगमेंटेशन, डीएनए फ्रेगमेंटेशन में अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डीएनए आ गया, अब हम फ्रेगमेंट्स करेंगे। हमको क्या चाहिए, वीएनटीआर चाहिए ना, हमको वीएनटीआर चाहिए, वीएनटीआर चाहिए, और हम इसका फ्रेगमेंट किसकी मदद से करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए इंटू मैनी फ्रेगमेंट्स, ठीक है, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में उसको कट कर देगा, छोटे बड़े अलग अलग इसमें। नाउ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अब हम क्या करेंगे बच्चे, इलेक्ट्रो का मतलब मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिसिटी एंड फोरेसिस का मतलब रन कराना, रन, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करेंगे, डीएनए फ्रेगमेंट्स रन ऑन, किस पे रन कर रहा है डीएनए फ्रेगमेंट्स बच्चे, रन ऑन मैम एग्रोजेल पे ये रन करेंगे, ठीक है। स्मॉलर ट्रैवल फार्दर
देन लार्जर, ठीक है, जो स्मॉलर वाले होंगे वो ज्यादा दूर तक जाएंगे लार्जर वाले से, ओके और हम इसको कनेक्ट किससे कर रहे हैं बच्चे, एनोड, ठीक है, एनोड से हम क्या कर रहे हैं इसको कनेक्ट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, हो गया वो ट्रेवल कर गया, हमारे पास एक पैटर्न आ गया, अब हम क्या कर रहे हैं सदन ब्लॉटिंग कर रहे हैं। सदन से नाम आपको पता चल रहा है, ये किसका नाम होगा भाई, साइंटिस्ट का, है ना, ये साइंटिस्ट का नाम होगा सदन ब्लॉटिंग। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमको पैटर्न पता नहीं चलेगा। इसमें क्या करेंगे, ट्रांसफर डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए फ्रेगमेंट्स पैटर्न जो हमको मिला है उसको किस में ट्रांसफर करेंगे, ऑन बताओ, नायलॉन की शीट, नायलॉन शीट, ठीक है, नायलॉन सीट पे हम इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। क्यों हो जाता है नायलॉन सीट पे, बिकॉज डीएनए हैज हाई एफिनिटी, डीएनए हैज हाई एफिनिटी, डीएनए को ना नायलॉन बहुत पसंद है, मैम इसका मतलब नायलॉन पॉजिटिव चार्ज होता होगा ना, हाँ होता होगा, ठीक है, या नेट्रो क्या नाइट्रो सेलुलोज पेपर, हाँ ठीक है, डीएनए हैज हाई एफिनिटी एफिनिटी फॉर नायलॉन, ओके नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, ये हो गया, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन कर रहा, हाइब्रिडाइजेशन मतलब या पता है ना, किसी चीज को मिक्स करना, हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्सिंग है ना, मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट डीएनए, ठीक है, टू डिफरेंट थिंग, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डीएनए प्रोब जो कि क्या है, रेडियो एक्टिव है, उसको हम क्या करेंगे, इज स्प्रिंकल करेंगे किसमें, ऑन सदर्न ब्लॉटिंग शीट, इस पे हम क्या कर देंगे, इसको स्प्रिंकल करेंगे, तो क्या होगा आपका, डीएनए प्रोब गेट अटैच विथ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है, फ्रेगमेंट्स के साथ अटैच हो जाएगा, कौन अटैच होगा भाई, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होगा उसके अकॉर्डिंग वो अटैच होते जाएंगे, बाकी को हम क्या कर देंगे, रेस्ट को वॉश कर देंगे, जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है वो अटैच हो जाएगा, बाकी को हम साफ कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको, अब हम इसका क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे बताओ, फोटोग्राफी मतलब हम इसको देखेंगे, ठीक है, इट विल बी विजिबल अंडर यूवी रेस के अंडर में हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे तो हमको क्लियर पैटर्न दिखाई देंगे, ठीक है, डीएनए पैटर्न इज सेम, क्लियर हमको डीएनए पैटर्न दिखाई देगा। नाउ यहाँ आप देखो, मान लो ओके मैम, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये है डीएनए ऑफ इंडिविजुअल ए, डीएनए ऑफ इंडिविजुअल बी, ये दोनों हमारे क्या हैं बच्चे, सस्पेक्ट हैं, ठीक है, ये भी हमारा सस्पेक्ट है, ठीक है, और डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन सी, हमको क्राइम सीन था एक, ठीक है, क्राइम सीन में बच्चे हमको, क्राइम सीन में इसी तरह का आपको होता है ना, ऐसे
यस मैम, आउटलाइन करा कर दिया जाता है। भाई यस आउटलाइन क्यों किया जाता है? देखो आउटलाइन करने का सीधा सा मतलब है कि इसी एरिया में एक तो जो विक्टिम था वो गिरा था, और इस एरिया में ज्यादा चांसेस है कि आपको क्या मिल जाएगा, डीएनए। डीएनए ठीक है, डीएनए यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमको डीएनए मिला भी, डीएनए मिला भी हमको, डीएनए मान लो क्या मिल गया, हेयर मिल गया। डीएनए क्या मिल गया, हेयर। इसके हाथ में क्या है, देखो हेयर है, ठीक है। झड़प हुई, इसके हाथ में क्या है, हेयर है। हमने वो हेयर को क्या कर लिया बच्चे, कलेक्ट कर लिया। ओके, हेयर को कलेक्ट किया, और यहाँ पे देखो इसका टेंडम रिपीट ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये इसका टेंडम रिपीट आया। ओके, वेल में डाला, ये आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला मशीन है, ये वेल में डाला, ये वेल, ये भी वेल है, ये भी वेल है, ठीक है। तो इसका इस तरह से पैटर्न हमको मिला, ये पैटर्न मिला, क्रोमोसोम नंबर 7 का मिला, 2 का, 16 का, इस तरह का बच्चे पैटर्न हमको देखने को मिला, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने दो सस्पेक्ट लिए, दो सस्पेक्ट है जिससे इसकी लड़ाई हुई थी, जिससे इसकी एक दिन पहले लड़ाई हुई थी। एक सस्पेक्ट मान लो कौन है, एक सस्पेक्ट कौन है भाई, नाम बताओ, यहाँ पे कोई है ऐसा जो अपना नाम सस्पेक्ट के रूप में देना। मैम किसी का भी नाम ले लो, चलो तुम्हारा ही नाम आज मैं बार बार ले रही हूँ तुम्हारे, ठीक है। एक सस्पेक्ट है, ठीक है, एक सस्पेक्ट है हमारा कौन, पप्पू। कौन है, एक सस्पेक्ट है हमारा पप्पू, ठीक है। ओके, एक सस्पेक्ट हमारा पप्पू है, जो कि इंडिविजुअल ए। जो दूसरा सस्पेक्ट है, दूसरा सस्पेक्ट जिससे झगड़ा हुआ था, वो सस्पेक्ट कौन है, वो है पप्पा, नहीं वो है हमारी साक्षी, इससे भी इसका झगड़ा हुआ था, ठीक है, इससे भी इसका झगड़ा हुआ था। ओके मैम, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ठीक है। ये है हमारी साक्षी, इससे भी झगड़ा हुआ था। अब देखो क्या है कि इनका हमने डीएनए ले लिया, ओके, इसका भी डीएनए लिया, डीएनए ले लिया, इसका भी डीएनए हमने ले लिया। डीएनए लेने के बाद जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया गया, जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराई गई, तो भाई खूनी कौन है बताओ, किसका मैच कर रहा है? मैम पप्पू का, साक्षी। किसका मैच कर रहा है, ए का मैच कर रहा है, ए इज पप्पू एंड बी इज साक्षी, किसका मैच कर रहा है बताओ, किसका मैच कर रहा है इससे, सी से? साक्षी का, साक्षी का मैच कर रहा है। सो साक्षी इज सस्पेक्ट, इज क्रिमिनल। सस्पेक्ट क्या होता है बच्चे, जिसपे शक हो। विक्टिम कौन होता है, जो मर गया या फिर जिसके साथ अपराध हुआ हो, ठीक है। अब यही कौन है, क्रिमिनल है। मैम लेकिन ये पता कैसे चला, पता कैसे चला, ये देखो जब इनके, अभी हमने क्या पढ़ा भाई, ये देखो इसका भी यहाँ पे वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट वही आ रहा है, वही है, क्यों, क्योंकि यही थी ना मर्डर, मर्डर इसी ने किया था, इसी का तो ब्लड सैंपल था वहां पे, इसी का हेयर सैंपल था, इसी के बाल इसने पकड़े हुए थे, इसके तो बाल है ही नहीं, ऐसे भी तो समझ लो, इसके तो बाल है ही नहीं, ये तो टकला है, छोटे छोटे बाल है, इसी के बाल उसने पकड़ रखे हैं, समझ गए, है ना। हाँ देखो कितने अच्छे से हमने केस को सॉल्व कर लिया, दो तरीका था ना, कि भाई बाल भी इसके पकड़ रखे हैं, उम्र बहुत अच्छा है, ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर इसलिए अच्छा है क्योंकि यही पढ़ रखा है बच्चे, मेरा ये सब्जेक्ट ही था फॉरेंसिक, हाँ ठीक है। तो बाल की वजह से आपने बस पहचान लिया, हाँ समझ गए। और देखो मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते इस
आपको एक क्लू भी दे दिया, इसके बाल मैंने इतने लंबे बनाए और ऐसे बनाए, और आपको देखो हेयर भी दे दिया, यस मैम, है ना, एक कहानी भी बन गई। तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हो, और आपने फिर यहाँ भी इसको प्रूव कर दिया कि इन दोनों का तो भाई ये यही है, इसी का हेयर था वहां पे, ठीक है। तो हमने पता कर लिया कि यही है क्रिमिनल, ठीक है। पप्पू जो दिख रहा है वो क्रिमिनल नहीं है, पप्पू तो अभी पास भी नहीं हुआ है, पप्पू तो अभी पास भी नहीं हुआ है, अभी तो वो पास होने में लगा है बेचारा, है ना। यस मैम, चलो आगे बढ़ जाए। यस मैम, क्वेश्चंस क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करो। व्हाट वर द स्ट्रक्चर कॉल्ड दैट गिव एन अपीयरेंस बीड ऑन न्यूक्लियोसोम? न्यूक्लियोसोम हमने पढ़ रखा है। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन पे डीएनए लपटा हुआ है ना, हिस्टोन, हिस्टोन प्लस डीएनए, ये क्या हो जाता है बच्चे आपका? न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम। और इसी को हम क्या बोलते हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। इन सी अर्चिन डीएनए, बहुत इजी है बच्चे, देख लो 17% आपका साइटोसिन है, तो बताइए बाकी तीनों क्या होंगे? बताओ, बताया ना दो। मैम ए वाला और ए ऑप्शन करेक्ट होगा मैम, ए वाला है ना। जिनको अभी भी नहीं पता चल रहा, वेरी गुड, जिनको अभी भी नहीं पता चल रहा मैं उनको बता दूं, प्यूरीन कितना होगा बच्चे? प्यूरीन इज इक्वल टू पिरिमिडीन होता है। प्यूरीन अगर 50% है, ये सबसे आसान तरीका बताया था ना मैंने आपको, देख के बता सकते हो, तो ये 50% होगा। तो प्यूरीन में क्या आता है? आलू गोभी, और इसमें क्या आता है? सीटी, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है बच्चे आपका? सी दिया है। सी कितना दिया है? 17% दिया है, तो ऑल ऑब्वियसली आपका, ठीक है, जी भी क्या होगा? 17% होगा, क्योंकि ए इज इक्वल टू टी, सी इज इक्वल टू जी, है ना। तो ये 17% हो गया। तो अगर ये 17% है, तो 50% में 17% आपका सी हो गया, साइटोसिन हो गया। तो थाइमिन कितना होगा? 33 होगा। तो ऑब्वियसली जब ये 33 है, तो ये भी क्या होगा? 33 ए ऑप्शन, ए इज करेक्ट। बताओ डीएनए का सीक्वेंस ये है, तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या सीक्वेंस आएगा? ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है? डीएनए की एमआरएनए? बच्चे, तो आरएनए में इसका क्या सीक्वेंस बनेगा? वहाँ पे ए के जगह क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, है ना, ए के साथ यू पेयर करेगा। सैटेलाइट डीएनए इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट, यस, सैटेलाइट डीएनए इज इम्पोर्टेंट। हाँ बताओ, डी होगा, क्योंकि इसमें हाँ हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, है ना, और हेरिटेबल होता है फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन, वेरी गुड। सैटेलाइट डीएनए दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? मिनी माइक्रो, हम इसमें कौन सा यूज करते हैं? मिनी यूज करते हैं। चलो, प्यूरीन फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, है ना, है ना मैम? यस मैम, प्यूरीन डीएनए एंड आरएनए में प्यूरीन मैम कॉमन होता है ना? गलत है? नो मैम, हम पिरामिडीन का अलग होता है। यस मैम, वहां पे मैम, वेरी गुड, मेन फाउंडिंग डीएनए एंड आरएनए इज, पिछली क्लास में ना बच्चों ने बोल दिया गलत है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने बोला हाँ, फिर मैं देख रही हूँ, अरे ये बच्चे ही गलत बोल रहे थे। प्यूरीन फाउंड बोथ इन, प्यूरीन क्या होता है बच्चे? एजी होता है ना, और ए और जी तो दोनों में सेम होता है, पिरिमिडीन अलग होता है, तो एडेनिन। हाँ ये बताओ क्या होगा, ध्यान से देखो,
पीछे से देखना क्योंकि ए ए से पढ़ना ए बी मैम डी ऑप्शन होगा मैम डी होना चाहिए डी होगा ना क्योंकि फ्रांसिस ने प्रपोज किया था और प्रोटीन बनता है किससे ट्रांसलेशन से एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन से ठीक है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे सेंट्रल डोग्मा सेंट्रल डोग्मा Identify the correct order of organization of genetic material, largest to smallest. Largest to smallest निकालना है. मैम B option. B option होगा. मैम B लग रहा है. Chromosome के नाम. बताओ. मैम C. बच्चे थोड़ा ध्यान से पढ़ो यहाँ क्रोमोसोम्स नहीं लिखा है क्रोमोसोम मतलब कि सिंगल क्रोमोसोम और यहाँ जीनोम लिखा है जीनोम मतलब 23 जीनोम हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ना तो 23 क्रोमोसोम यहाँ एक क्रोमोसोम उसके बाद एक क्रोमोसोम के अंदर जीन उसके बाद न्यूक्लियोटाइड थोड़ी सी गलती स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ठीक है यही तो होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पढ़ना है और आपको क्या देखना है यहाँ पे क्रोमोसोम्स नहीं है क्रोमोसोम है ठीक है न्यूक्लियोटाइड छोटा होगा जीन न्यूक्लियोटाइड से बड़ा है भाई जीन जीन से छोटा नहीं होगा जीन में तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे ना एक जीन प्रोटीन बना जीन ये बड़ा होगा फिर ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड तो सबसे छोटा बच्चे ठीक है न्यूक्लियोटाइड से मिल करके आपका चलो ये बताओ क्रोमोसोम्स आ जाता तो वो पहले आता ना उसके बाद जीनोम सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फोर अबाउट द लैक ऑपेरॉन करेक्ट ढूंढना करेक्ट लैक ऑपेरॉन के बारे में मैम सी ऑप्शन होगा सी ऑप्शन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में बाइंड विथ रिप्रेसर एंड इनएक्टिवेटेड गलत ना कौन कौन बाइंड करता है लैक्टोज लैक्टोज बाइंड करता है इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर बाइंड विथ द ऑपरेटर जीन ये सही बात है यस है ना द जेड जीन कोड्स फॉर परमीएस नो मैम बीटा ग्लैक्टा गैलेक्टो गैलेक्टोसाइडेज ठीक है इसको किसने दिया था जैकोब एंड मोनोड ने दिया था मोनोड थैंक यू मैम ये चैप्टर आज खत्म थैंक यू मैम चैप्टर फाइनली यही खत्म हो गया एंड अब हम पेस में आ गए हैं उस क्लास के साथ तो अब हम इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है मजेदार चैप्टर है यस मैम अच्छा है थैंक यू फॉर द ब्लास्टर्स बच्चे थैंक यू फॉर द लव थैंक यू टू मैम ये चैप्टर अब आपका खत्म हुआ एंड अब आप लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे